नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, IBPS, AFO, BHU, ICR, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। 1 से लेकर 23 प्रश्नों को हम पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 24 से स्टार्ट करेंगे, 40 प्रश्नों तक हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यानी कि एग्रीकल्चर TA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, आम की बीज रहित किस्म बताना है, कौन सी है? आम की सीडलेस वैरायटी बताना है कौन सी है, नीलम है, हापुस है, मलिका है या सिंधु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस जो है रत्ना अल्फांसो, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके सिंधु वैरायटी निकाली गई है। तो याद रखेंगे RAS से रत्ना क्रॉस अल्फांसो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद और कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे अगर पूछे फ्रूट आम का जो फल का प्रकार है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है ड्रूप, ठीक है, ड्रूप होता है फल का प्रकार। पुष्पक्रम का प्रकार पूछे तो पुष्पक्रम का प्रकार पूछ ले तो पुष्पक्रम का प्रकार होता है पेनिकल, ठीक है, क्या होता है, पेनिकल होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। खाए जाने वाला भाग पूछे, ठीक है, खाए जाने वाला भाग पूछे तो खाए जाने वाला जो भाग होता है उसको हम मीजोकार्प के नाम से जानते हैं, ठीक है, मीजोकार्प के नाम से जानेंगे। और 2-3 चीज़ें और देखेंगे, आम को फलों का राजा कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, आम को फलों का राजा कहते हैं और इसको एम्बेस्टर फल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एम्बेस्टर फल के नाम से भी इसको जाना जाता है और उष्ण फलों का राजा कहलाता है, ठीक है, आम जो है उष्ण फलों का राजा कहलाता है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देंगे। एक चीज़ और यहाँ पर एग्जामों में पूछा जाता है, किसका जो प्रवर्धन होता है मैंगो का, किस विधि से किया जाता है? तो प्रवर्धन जो होता है इसका विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। यह एक विनियर ग्राफ्टिंग जो है एक प्रकार की व्यावसायिक विधि है, ठीक है, अगर पूछे आम की व्यावसायिक विधि तो आप को ध्यान रखना है कि विनियर ग्राफ्टिंग एक आम की व्यावसायिक विधि है। इसके साथ साथ एक होती है आम के अंदर इनार्चिंग, ठीक है, इनार्चिंग विधि भी इसमें काम में ली जाती है। इनार्चिंग विधि पूछे तो दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत के अंदर आम में जो ग्राफ्टिंग के यानी कि प्रवर्धन में जो प्रयोग लेते हैं वो इनार्चिंग विधि प्रयोग किया जाता है दक्षिण भारत में, याद रखेंगे। बाकी इसके साथ साथ एक स्टोन विधि आती है, ठीक है, स्टोन जिसको एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक आती है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, ठीक है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी इसमें मैंगो के अंदर ही किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्टोन और एपिकोटाइल जो ग्राफ्टिंग है ये कहाँ पर प्रयोग में ली जाती है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर स्टोन ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है ये इस विधि को इन सीटू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन सीटू के नाम से भी जाना जाता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंगो के अंदर बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 25 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण क्या है? ठीक है, नींबू में एक सिट्रस कैंकर रोग लगता है, काफ़ी भयंकर रोग होता है, तो इसका कारण बताना है, किसके कारण होता है? तो एक चीज़ यहाँ पर याद होना चाहिए, सिट्रस कैंकर हमेशा जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये आपको याद होना चाहिए। और किस जीवाणु के द्वारा होता है ये यहाँ पर पूछा है, जैंथोमोना सिट्राई जीवाणु, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा कवक द्वारा, या फाइटोप्थोरा पेरिसीट का कवक द्वारा, या ट्रिस्टेजा वायरस के द्वारा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जैंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया द्वारा।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ नींबू की बात आ गई है तो नींबू में आपको याद रखना है कि नींबू पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है नींबू उत्पादन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वास्तुसर्जन के अलावा मुख्य कारक कौन सा है? वनस्पति है, तापमान है, मृदा गहराई है, मृदा में नमी भंडारण क्षमता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तापमान, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल मक्खी किसका मुख्य हानिकारक कीट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आया है, तो यहाँ पे बताना है फल मक्खी किसका मुख्य हानिकारक कीट है। सबसे पहले जानेंगे फल जो मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई जो होती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो कार्पोमिया, ठीक है, कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना वियाना, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम फल मक्खी का, फ्रूट फ्लाई का। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फल मक्खी किस महीने में हानि पहुँचाती है, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाती हैं, ठीक है, जो फल आ जाते हैं उस समय, उसी समय सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बैर, ठीक है, फ्रूट फ्लाई सबसे ज़्यादा अटैक करती है बैर के फलों में। पपीता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बी ई आर, ठीक है, ये और यहाँ पर एक है लीफ कर्ल वायरस, ये दोनों पपीता में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है? बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ये बहार से रिलेटिव बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना अनार के जो फरवरी मार्च में पुष्पन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रखेंगे, अहम में, ठीक है, अहम याद रखेंगे, एक लाइन में अहम हो गया, दूसरी तरफ में फंस जा, फंस जा, तीसरी लाइन में जमन, जमन, जमन याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर अंबे बहार जो है, ठीक है, इसका पुष्पन का अंबे बहार फरवरी और जनवरी यहाँ पर, तो फरवरी से लेके मार्च पूछ रहा है, तो ये अंबे बहार यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगर हस्त बहार पूछता सितंबर से, उसके बाद यहाँ पर मृग बहार पूछता तो जनवरी, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया, ठीक है, आपको बताना है NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है यहाँ पर NHM, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई? 2005-06, 2007-08, 2008-09 या 2009-10, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ बात करेंगे NHM की, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की, इसकी जो शुरुआत होती है 2005 से लेकर 6 में होती है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों मर्ज कर दिया गया है, किसके अंदर मर्ज किया गया है ये भी आपको याद रखना है, MIDEH के अंदर मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, कब किया गया है? 2014 में इसको इसके अंदर मिला दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है एंथोसाइनिन पिगमेंट या केवरेसेटीन पिगमेंट, लाइकोपीन पिगमेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो एशियाई जो किस्में होती हैं, ठीक है, एशियाई जो किस्में होती हैं इसके अंदर कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है, कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, याद रखेंगे, और इसी में एंथोसाइनिन ज़्यादा होता है, ठीक है, एंथो
साइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। एंथोसाइन एसीआई जो किस्में होती हैं इसमें कैरोटीन की मात्रा तो कम पाई जाती है, लेकिन एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एंथोसाइनिन पिगमेंट के अधिकता पाई जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। यहाँ पर एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, गाजर का बैगनी रंग, ठीक है, गाजर का बैगनी कलर, बैगनी कलर जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो यहाँ पर एक किस्म है, ठीक है, बैगनी कलर की जो किस्म है पूसा आसिता, ठीक है, पूसा आसिता ये ऐसी किस्म है जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में एंथोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है, पूसा आसिता। और यहाँ पर देखेंगे लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण क्या होता है, गाजर का लाल रंग, ठीक है, गाजर का लाल रंग। तो गाजर की बात करेंगे तो लाल रंग सबसे ज़्यादा एक वेराइटी आती है जिसका नाम है पूसा रुधिरा, पूसा रुधिरा जो है वेराइटी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइकोपिन की मात्रा पाई जाती है। और एक चीज़ यहाँ पर पूछा था एशियाई, अब यहाँ बात करेंगे यूरोपियन जो गाजर होती है, यूरोपियन जो गाजर होती है उसके अंदर कैरोटीन की मात्रा, कैरोटीन की मात्रा क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और एंथोसाइनिन की मात्रा क्या पाई जाती है, एंथोसाइनिन की मात्रा कम पाई जाती है। ये चीज़ याद रखें, यूरोपियन में एंथोसाइनिन की मात्रा कम और कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा, और यहाँ पर देखेंगे एशियाई जो किस्में हैं इसमें कैरोटीन की मात्रा कम और एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 32, कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैंडी में शक्कर की मात्रा, सबसे पहले जाने कि कैंडी कौन कौन से फलों से बनाया जा सकता है, तो याद रखेंगे कैंडी जो है बैर से बनाया जा सकता है, इसके बाद आंवला से बनाया जा सकता है, ठीक है, आंवला से बनाया जा सकता है, और किससे बना सकते हैं, और कद्दू से बनाया जा सकता है, ठीक है, कद्दू से बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों से हम कैंडी बना सकते हैं। एक चीज़ पूछा जाता है कि कैंडी में फल का भाग कितना रखा जाता है, तो 45% फल का भाग रखा जाता है, फ्रूट का पार्ट रखा जाता है 45%। अब यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 75%, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70% यहाँ पर मुरब्बा में रखते हैं, ठीक है, मुरब्बा बनाने के लिए 70% इसमें शक्कर की मात्रा रखते हैं। 65% की बात करते हैं तो जेली बनाने के लिए 65% रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, क्वेश्चन कह रहा है पूसा यमदाग्नि किस्म है, पूसा यमदाग्नि किस्म किसकी है, मूली की, मूली की फेमस वैरायटी सबसे पहले याद करेंगे पूसा चेतकी, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है पूसा चेतकी किसकी वैरायटी है, तो मूली की पूसा चेतकी वैरायटी हो जाएगी। एक वैरायटी और याद रखेंगे पूसा हिमानी, ठीक है, पूसा हिमानी किसकी वैरायटी है, मूली की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पूसा यमदाग्नि जो वैरायटी है ये गाजर की हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और गाजर की कुछ और वैरायटियाँ हैं जैसे पूसा केसर है, पूसा यमदाग्नि है, और पूसा नवज्योति है, ठीक है, तो ये सब किस्में हैं, पूसा नैनज्योति, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, ये सब गाजर की वैरायटियाँ हैं। और यहाँ पर टमाटर की वैरायटियाँ कुछ याद रखेंगे जैसे पूसा रूबी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है पूसा रूबी किसकी वैरायटी है, टमाटर की हो जाएगी। बेस्ट ऑफ ऑल ये बहुत अच्छी किस्म है, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये भी टमाटर की वैरायटी है। एक वैरायटी और याद रखेंगे टमाटर की रोमा रश्मि, ठीक है, और अंगूर लता अर्का विकास, ये सब वैरायटियाँ टमाटर की हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 33, क्वेश्चन कह रहा है हिसार ललित किस्म किसकी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है हिसार ललित, टमाटर की है, मिर्च की है, बैंगन की है, खीरा की है, तो हिसार ललित जो वैरायटी है ये टमाटर की वैरायटी है, काफ़ी फेमस वैरायटी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक टमाटर की और वैरायटी आपको याद रखना है पंजाब, ठीक है, पंजाब लाल, ये भी टमाटर की ही वैरायटी है। और वैरायटियाँ जैसे अर्का श्रेष्ठा, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, ठीक है, ये वैरायटियाँ काफ़ी फेमस है, अर्का रक्षक, ठीक है, अर्का रक्षक ये वैरायटी हो गई। एक टमाटर की याद रखेंगे अर्का सम्राट, ठीक है, अर्का सम्राट ये भी टमाटर की ही वैरायटी है। अर्का श्रेष्ठा, ठीक है, अर्का श्रेष्ठ
ये टमाटर की वेराइटियाँ हैं। तो मिर्च की वेराइटियाँ कुछ देख लेंगे यहाँ पर। मिर्च की वेराइटियाँ जैसे पूसा दीप्ति, ठीक है, पूसा दीप्ति ये मिर्च की वेराइटी है। एक मिर्च की वेराइटी और याद रखेंगे, काफ़ी फेमस भारत पूसा, भारत वेराइटी किसकी है तो मिर्च की है। एक वेराइटी बुलनोज, बुलनोज ये शिमला मिर्च की वेराइटी है, बुलनोज याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा होती है 60%, 65%, 70% या 75%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अवलेह पहले जानेंगे, अवलेह कहते किसे हैं। तो जेली जो आप लोग खाते हैं, जेली को ही अवलेह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जेली में किसकी आवश्यकता होती है, तो जेली बनाने के लिए पेक्टिन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पेक्टिन के बिना जेली नहीं बनता है, इसलिए पेक्टिन जो है अनिवार्य अंग माना गया है, किसका, जेली का। उसके बाद बात करेंगे सबसे अच्छी जो अवलेह है यानी कि बेस्ट जो है जेली किससे बनाई जाती है, कौन से फल से, तो याद रखेंगे अमरूद से बनाई जाती है सबसे अच्छी जेली, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे, जेली जेली किस प्रकार की होती है, जेली एक प्रकार की पारदर्शी होती है, ठीक है, पारदर्शी जेली का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। और जेली जो है ये फल रस से बनाया जाता है, ठीक है, फल रस से जेली का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 65%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लौकी में नर फूलों की अधिक उद्भव का कारण क्या है। नर फूल किसकी अधिकता के कारण सबसे ज़्यादा आ जाते हैं लौकी के अंदर। सबसे पहले जानेंगे लौकी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है, लेजिनेरिया सिसेरिया, ठीक है, आपको याद रखना लेजिनेरिया सिसेरिया जो होता है लौकी का वैज्ञानिक नाम होता है। ये भी एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब यहाँ पे देखेंगे हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि उच्च तापक्रम और अधिक नतर्जन, यही तो कारण है। फर्स्ट ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नर फूलों का अधिक आने का कारण क्या है, हाई टेम्परेचर और अधिक नतर्जन का प्रयोग करना। अब देखिए अगर मादा फूलों की संख्या बढ़ाना है, ठीक है, फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाना है तब क्या करेंगे, तो इसके लिए एक हार्मोन्स आता है उसका स्प्रे किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है इथरेल, ठीक है, इथरेल हार्मोन का प्रयोग करेंगे। इथरेल हार्मोन का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो 250 ppm में प्रयोग करना है, ठीक है, 250 ppm में प्रयोग करना है। अब ये 250 ppm कब प्रयोग करना है, तो 2 से 3 जब पत्तियाँ आ जाएँ तब इसका स्प्रे किया जाता है, ठीक है, 2 से 3 पत्तियां आने पर इथरेल का 250 ppm की दर से स्प्रे किया जाता है मादा फूलों की बढ़ाने के लिए, ये याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विजातीय है, विजातीय का चुनाव करना है, कौन सा इन चारों में से अलग है। देखेंगे केसर, केसर तो आम की वैरायटी है सब लोग जानते हैं, कहाँ की वैरायटी है तो याद रखेंगे ये गुजरात की फेमस वैरायटी है, ठीक है। फजली की बात करें तो फजली भी आम की वैरायटी है, ठीक है, फजली भी आम की वैरायटी है लेकिन कहाँ की, महाराष्ट्र क्षेत्र की। दशहरी की बात करेंगे तो ये भी आम की ही वैरायटी है लेकिन किस क्षेत्र की है, उत्तरी भारत कह लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश कह लीजिए। हलावी जो है यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगी क्योंकि ये वैरायटी किसकी है मित्रों, ये खजूर की वैरायटी है, ठीक है, हलावी किसकी है, खजूर की वैरायटी है। रीजनिंग टाइप पर ये क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा है। मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन पूछ रहा है कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फार्मेल्डिहाइड है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फार्मेल्डिहाइड सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए
तो यहाँ पर 1% ही इसका प्रयोग किया जाता है 1% की दर से। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये पाला से बचाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कितना मात्रा में 0.1% की दर से जब पाला पड़ता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम डिफ्यूजिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में 10% की दर से हम इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो इसको हम HCl के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें ड्रीपर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ड्रीपर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन जो सिंचाई करते हैं उनकी जो पाइपें होती हैं उनको साफ़ करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर आम की किस किस्म में उत्तक क्षय विकृति अधिक पाई जाती है। आपको बताना है कि उत्तक क्षय बीमारी जो है, विकृति है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो भी है, तो ये इसकी समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी आम की ऐसी किस्म है? दशहरी है, अल्फांसो, केसर या आम्रपाली। काफ़ी ईजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अल्फांसो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अल्फांसो जो है ये सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वैरायटी भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म भी है, याद रखेंगे। पूछ सकता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वैरायटी कौन सी है, तो अल्फांसो है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है अल्फांसो का, तो याद रखेंगे हापुस के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, हापुस के नाम से जाना जाता है। तो ये वैरायटी जो अल्फांसो है ये किस क्षेत्र की है, तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसको उगाया जाता है। अब देखिए एक यहाँ पर केसर का नाम आया, तो सबसे ज़्यादा प्रसंस्करण में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? केसर का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था दोस्तों वो था बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है ब्लैक हार्ट किस सब्जी का सामान्य फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। काय के विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, ब्लैक हार्ट बताना है। टमाटर का है, आलू का है, भिंडी का है या मूली का है? तो मूली में याद रखेंगे, मूली में पाया जाता है आकासीन, ठीक है। क्या पाया जाता है? आकासीन पाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये आकासीन जो मूली में होता है ये बोरान की कमी के कारण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एक मूली में और याद रखेंगे पफिनेस, ठीक है, या कह सकते हैं पीथीनेस, पीथीनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी मूली के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक हार्ट जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आलू का है। किसकी कमी के कारण होता है? तो O2 की कमी के कारण होता है दोस्तों, O2 की कमी के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे, टमाटर के अंदर, टमाटर के अंदर कौन सी समस्या पाई जाती है? BER, ब्लोजम एंड रॉट डिसऑर्डर पाया जाता है, याद रखें टमाटर का। एक और याद रखें गोल्डन, ठीक है, गोल्डन फ्लॉक, ये भी किसका है? तो ये भी टमाटर का ही है, गोल्डन फ्लॉक के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैटोइंग बताना है किससे संबंधित है? टैटोइंग एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है, एक पक्षी का नाम है। तो यहाँ पर बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम वीडियो इसी तरीके की लाते रहते हैं आप लोगों के बीच में। 8 बजे शाम को समय आपको वीडियो मिल जाया करती है पर डे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।